छुए रुपये है अब इस बार वोट क्यों नहीं डाल रही है नहीं नहीं डालेंगे मारे गाँव के लिए वोट नहीं बना रोड पहले रोड बाद में वोट नहीं बटमना है विधायक तो से कभी कहा है आपने। क्या वे विधायक का जीत का लौट के आ रहा है खेरी बाट में वोट डालेंगे इस बार नहीं वोट नहीं डालेंगे रोड वजह तो गिरेगी यहाँ ब्याह वाली वालियाँ पैदा जाती हमारी वोट नहीं दे पे रोड नहीं तो वोट नहीं ये हमारे गांव वालों का सबका फैसला है इस बार हम कोई मतदान नहीं करेंगे जी तो आप मतदान नहीं करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के खेरी भाट गाँव में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार रोड नहीं तो वोट नहीं देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ आएंगे बस झूठा आश्वासन दे जाएंगे फिर कभी नहीं सुनते हैं उसके बाद 5 साल बिल्कुल नहीं आते हैं 5 सेकंड के लिए दिखाई भी नहीं देते हैं कभी भी कार आपकी जन अदालत में से मैं हूं राजा भैया और मैं इस समय खेरीवट गांव में हूं जो कि सोणा विधानसभा क्षेत्र का गांव आता है जहां पर ग्रामीणों ने रोड ना होने के कारण जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार कर दिया है और यहाँ पर वोट डालने का भी बहिष्कार कर दिया गया है ग्राम आप जब खेरी भाट गांव में आओगे सियाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव में तो यहाँ सड़क नहीं है लोग दल दल से होकर गुजरते हैं आकर पूछ लेते हैं ग्रामीणों ने स्पष्ट कह दिया है कि रोड रोड नहीं तो वोट नहीं बात करते हैं क्या नाम है दादा आपका मंगली ये आपने पोस्टर क्यों लगा दिया है रोड नन्या गाँव में आपने विधायक जी से कहा है सबसे ख्याल है सर जी भानु प्रताप सिंह चौहान हूँ महेंद्र बोध जी जब गृह मंत्री थे हाँ। उस वक्त भी यहाँ पर आए थे इसी जगह पे हाँ। जब भी बोल के गए थे एक महीने में आपका काम लग जाएगा अब कब गृह मंत्री थे बौद्ध जी तब तभी से रोड की हम लोग मांग कर रहे हैं अभी तक नहीं हो पाया है क्या क्या वजह क्या है अब वजह क्या है वो तो बताएंगे साहब कोई सुनता ही नहीं है नहीं। रास्ता नहीं है क्या नहीं है हम गांव वाले क्या करें उसका जो समस्या है साहब जई में सड़े सुन जा सुन लाँव को रोड नहीं है बिटिया की बटमना हो रही है आदमी की बटमना हो रही डिलीवरी हो रही है कि पूरी बटमनी बटमना है विधायक से कभी कहा है विधायक का जीत गया लौट के आ रहा है खेरी बाट में जो समस्या है तो आप आप क्या वोट नहीं डालोगे क्या नहीं कोई वोट नहीं ना वोट ना कुछ नहीं इस गांव में रोड कब से नहीं है रोड तो है ही नहीं है कितने साल हो गए सत्तर साल तो हम देख रहे सत्तर साल से इस गाँव में रोड ही नहीं है वोट डालते हो हर साल हर पाँच मामला नेता लोग क्या कहते हैं कह जाता तो फिर और सुनते ही सुनते ही नेता लोग क्या कहते हैं आप कह जाते हैं फिर बाद में नहीं सुनते हैं और भी ग्रामीणों से लेके बात कर लेते हैं नए लड़के भी हैं उन लोगों से भी बात कर लेते हैं अब तुमसे ही शुरुआत करते हैं क्या नाम है तुम्हारा रामलखन सिंह चौहान मेरे गांव में रोड नहीं है तो मैं अपनी हकी की लड़ाई लड़ रहा हूं मेरे गांव में जो स्थिति है कि स्यौड़ा तक डिलीवरी पहुंच नहीं पाती है यहीं ट्रैक्टर फंस जाता है तो हतपर में डिलीवरी हो जाती है बच्चे स्कूल को पढ़ने क्यों नहीं जा पा रहे हैं मतलब गर्मियों के तीन महीने हैं वो खेतों में से निकल जाते हैं उसके अलावा तो यहाँ के गाँव के लोग नौ महीना तो जा ही नहीं पाते हैं अभी खेतों में पानी लगेंगे तो पूरा रास्ता रास्ता तो है नहीं है खेत में से निकलते हैं तो फसल बप जाएगी तो वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगी मतलब सिर्फ तीन महीने है गर्मी होगी इस गाँव के लिए मतलब निकल सके इस गांव में सत्तर साल से सड़क नहीं है जनप्रतिनिधि क्या बोल के जाते हैं जनप्रतिनिधि बोल के जाते हैं पहली बात तो आएंगे नहीं क्योंकि कम आबादी है इस गांव में हाँ। दो से दस की वोटिंग है यहाँ तो आ भी जाएंगे तो बोल के जाएंगे कि हम डाल देंगे वो फिर उसके बाद पाँच साल बाद फिर आएंगे दोबारा चुनाव आएगा उसके बीच में कोई नहीं आएगा यहाँ गाँव में कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं आते नहीं यहाँ आज तक कोई आया ही नहीं है ना सरपंच आएगा ना सचिव आएगा कोई नहीं आया मैंने तो कोई अधिकारी ही नहीं देखा यहाँ कोई आता है आज तक नहीं देखा मैंने शासन की योजना से इस गांव को वंचित रखा है मेरे मेरे गांव में कोई योजना ही नहीं है थोड़ी बहुत मिल जाए तो मिल जाए नहीं वैसे तो योजना मिलती नहीं है यहाँ कोई योजना नहीं है यहाँ क्या नाम है तुम्हारा शैलेंद्र सिंह चौहान और रोड नहीं यहाँ हमारे यहाँ रोड रोड की बात बहुत दूरी हो गई है लेकिन कच्चा रास्ता भी नहीं है अभी तक हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि कच्चा रास्ता कहाँ से और कहाँ से निकले हम लोग जैसे कच्ची मिट्टी पर भी निकलेंगे रोड पक्का रोड की नहीं कहेंगे पक्का तो है ही नहीं कच्चा रास्ता भी नहीं है हम कहाँ से निकले लोग वह क्या है किसी के खेतों से होकर निकलती हैं गड्ढे खोद देती हैं कोई झगरा लगा देगा कोई तार लगा देगा वहाँ से निकलती है और निकलना पड़ता है हर व्यक्ति निकलता है कहीं किसी से झगड़ा प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है अभी तक के अभी तक के रिकॉर्ड में कोई कच्चा रास्ता भी नहीं है किसी गांव वालों को पूछ लो किसी को पता नहीं है कहाँ से है रास्ता कच्चा भी नहीं है आपका तो आपका हमारी मांग यही है कि हमें सबसे पहले आप मुझे रास्ता बताएं कि ये रास्ता है आपका वहां से हम निकलें और मुझे रोड चाहिए उस रास्ते पे उसके बाद जो है नहीं हम बोर्ड नहीं डालेंगे रोड नहीं तो बोर्ड नहीं ये हमारे गाँव वालों का सबका फैसला है इस बार हम कोई मतदान नहीं करेंगे जी तो आप मतदान नहीं करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे ये तो आपका अधिकार है मतदान तो करना चाहिए नहीं का अधिकार है मेरा अधिकार तो कोई दे नहीं रहा है तो मैं क्यों करूँगी ये अधिकार मुझे जरूरत नहीं, 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 नहीं ना? अधिकार है ना तभी तो कह रहे हैं की इस बार वोट नहीं डालेंगे क्यूँकी ये मेरा अधिकार है तो कई और, बार कई बार तो इतना आवेदन दे चुके तहसीलदार एस डी एम सबको दे चुके विधायक होता है उसको दे चुके कोई यहाँ तक सुनता ही नहीं है बोल देते हैं आवेदन तक नहीं लेते हैं अधिकारी मेरा तो मतलब जी स्थिति है कि यहाँ सब लोग पढ़ नहीं पा रहे है तो अब तो बहुत तहसील में पांच पांच आते हैं तो से बाबू ही हैं। बच्चे रहे हैं। देखो जी बच्चे हैं तो अभी इनको कुछ पता नहीं है नाम नहीं बोल पाएंगे अपना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है यहाँ स्कूल मास्टर नहीं आते नहीं प्रतिदिन आते हैं मास्टर आते हैं ऐसे ही आते हैं परेशानी से बाइक रख आते हैं दो किलोमीटर दूरी पर पैदल आते हैं कीचड़ में घुसकर आते हैं देखो आप रास्ता गांव का किस प्रकार का है मास्टर प्रतिदिन आते हैं बहुत अच्छे मास्टर हैं और बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा देते हैं क्या तो पुष्प सिंह बघेल राजा भैया पाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में पिछले में आपने आने का कष्ट किया आपका धृदय से शुक्रिया करता हूं हमारे यहां सत्तर साल से जब से देश आज़ाद हुआ है जब से रोड नहीं है रोड के अलावा इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है गांव में कि रोड नहीं तो वोट नहीं इसलिए हम चुनाव से बहिष्कार करते हैं और वोट नहीं डालेंगे जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं तो, तो, तो जागरूक मतदाता कैसे कहलाओगे जागरूक मतदाता हैं हर बार आते हैं जो विधायक आते हैं हर बार हमसे आश्वासन दे जाते हैं हम अगली बार कर देंगे इस बार तुम डालो अंगली पिछली बार ये हुआ था दो में जब भी आए कैंडिडेट राधेलाल बघेल जी आए हमारे और आए विधायक घनश्याम सिंह जी आए ऐसे बहुत विधायक आए थे यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग करूँ आप अगली बार रोड डालेंगे प्रदीप अग्रवाल ने कभी कहा है प्रदीप अग्रवाल भी प्रदीप अग्रवाल पिछली बार आए थे उन्होंने भी क्या गए लेकिन इसके बाद 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी आए थे यहाँ पे इसके बाद कोई नहीं आता है जीतने के बाद कोई भी विधायक या कोई भी वापसी नहीं लौटता है इस गांव में जीतने के समय वोटिंग के सामने आते हैं इसके बाद कोई नहीं आता है शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ मिलता है नहीं यहाँ पे कोई मूलभूत योजना का लाभ ही नहीं है माने जो चल रहा है वही चल रहा है उस इस पर बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है स्कूल नहीं पहुंच रहा है बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं तो समय तो बहुत कम बचा है तो ऐसे में अधिकारी क्या कहेंगे यदि वो कहते भी हैं कि वोट आप डालिए हम रोड डलवा देंगे तो आप मान जाएंगे क्या तो? नहीं तो मानी तो रहे आज तक माने तक, आज पहली बार रास्ता खोलकर अभी दे दें मिट्टी डल सकती है रास्ता खुल सकता है इतना कम तो हो सकता है अभी रास्ता खोल कर दे दें उस पर मिट्टी डाल कर दे दें हम वहाँ से निकल निकलने लगेंगे उसके बाद पक्का रास्ता बन जाएगा तो ये तो मुझे ये? ही जैसे फसल की बुवाई हो जाएगी तो हमको फिर दिक्कतें आने, आने लगेंगी तो ऐसे में आने जाने में अभी रास्ता ये कि फसल... जी सरकारी शहर मेरे के लिए अभी खोल दे बोटिंग के पहले पहले अगर सरकारी शहर खोल के देते हैं खेरी वार्ड के लिए कि तुम्हारा ये सरकारी शहर है गांव वाले यहां से निकालिए तो हम लोग मतदान कर देंगे लेकिन सरकारी शहर के पहले पहले कोई मतदान नहीं होगा किसी भी विधायक से या कहना प्रशासनिक आदमी से हम लोग रोड की मांग करते हैं उन लोगों का कहना है आपके लिए कोई सरकारी शहर ही नहीं है खेरी वाड को ऐसा कोई शहर नहीं जाता जो खेरी वाड के लिए मेन रोड से पूरा जुड़ जाता हो सबसे पहले हम लोगों की मांग है हमारे लिए सरकारी शहर खोल के दे कहीं से भी दे खोल के आप दे दे तो वोट वो आप हाँ, अगर सरकारी शहर खोल के दे दे मेरे लिए तो हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले सरकारी शहर खोलना पड़ेगा महिलाओं से बात कर लेते हैं क्या, क्या अभी बात वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? नहीं नहीं डालेंगे मारेगा के लिए बोट नहीं बनिया रोड पहले रोड बाद में बोट नहीं डाले कितने परेशान चौमासे से बीमार हुआ तो मुड़ी कहीं पिठी के ले जाना पड़ा तुमको के तुम कलेक्टर बन जाए हाँ, हाँ, तो दादा जी बताओ हाँ, अगर विधायक ने आपको मना लिया तो वोट डालोगे बेटा हर साल में मनाजा रुपये झकमार खीरीवाट की महिलाएं क्या कहती है वोट डालेंगी नहीं डालेंगे क्या नाम है भाई आपका मुन्नी वोट डालेंगे इस बार नहीं वोट नहीं डालेंगे रोड वजह तो गिरेगी अब रोड नहीं हो पाई फिर क्या करेंगे तो नहीं बोट नहीं पैदा जाती हम हमारी वोट नहीं दे पाए जी समय तो बहुत कम बचा हुआ है सत्रह नवंबर को वोटिंग होना है और सत्रह नवंबर के पहले ग्रामीणों की मांग है रोड नहीं तो वोट नहीं रास्ता सरकारी रास्ता चिन्हित करके शासन तभी मानेंगे बहुत से ग्रामीण उम्मीदों से यहाँ पर बैठे हैं कि कोई तो अधिकारी आए कोई तो नेता आए जो हमारी सुनवाई करे क्या फैसला होता है जुड़ गई है आपके जन अदालत के साथ आपका क्या, क्या कहना है हमें अपनी राय दीजिए नमस्कार तो खबर में आपकी जन अदालत